हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लॉथ्स मेथड। प्रीवियस क्लास में हमने लेंडेस मेथड पढ़ लिया था, साथ ही साथ हमने जूल टॉमसन इफेक्ट और एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी देख लिया था। ओके, इस वीडियो में हम क्लॉथ्स मेथड स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था क्या कि जो क्लॉथ्स मेथड है, जो गैसेस के लिक्विफिकेशन का क्लॉथ मेथड है, वो जूल टॉमसन इफेक्ट के साथ साथ एडियाबेटिक एक्सपेंशन वाली थ्योरी को भी फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन यानी कि रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का क्या मतलब है? रुद्धोष्म प्रसार, सिंपल सा मतलब है इसका कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या रहेगा सिस्टम के लिए? जीरो रहेगा। Q इज इक्वल टू जीरो मतलब कि जो हीट है वो जीरो रहेगा, ऊष्मा यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा इस पूरे सिस्टम के लिए जीरो रहेगी। यानी कि रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है कि हीट इस सिस्टम, ये जो सिस्टम हम पूरा यूज करेंगे लिक्विफिकेशन के लिए, ठीक है, हीट इस सिस्टम में ना तो बाहर से दी जाएगी और ना ही इस सिस्टम से बाहर हीट जाएगी। तो फिर काम कैसे होगा? लिक्विफिकेशन क्या है? एक वर्क है, ठीक है, हमें वर्क डन करवाना है, ठीक है, तो वो वर्क डन होगा कैसे? बिना एनर्जी के तो वर्क डन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से? तो हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि वो एनर्जी कहाँ से आती है। वो एनर्जी बेसिकली जो है उन गैसेस मॉलिक्यूल का, जिनका हमें लिक्विफिकेशन करवाना है, उन गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक, खुद की काइनेटिक एनर्जी ही जो है वो लगती है एक्सपेंशन में, और फिर उनकी कूलिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे उनकी खुद की एनर्जी खर्च हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, और खर्च अपनी एनर्जी कर रहे हैं तो कूलिंग हो जाएगी। और फाइनली जब बहुत बार सेम प्रोसेस जो है रिपीट किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगी गैस, ठीक है। तो ये सब बात हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। सीधा आते हैं अभी हमारे क्लॉथ्स मेथड पे, सिस्टम पे को देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ हम लेते हैं एयर, ठीक है, एयर आपकी फ्री होनी चाहिए ह्यूमिडिटी से, एयर फ्री होनी चाहिए ह्यूमिडिटी से, और SO2 गैस से भी फ्री होनी चाहिए। नॉर्मल जो एयर होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी परफेक्ट रेशियो है उनका, जो फ्रेश एयर मानी जाती है, वो एयर हम यहाँ पे यूज में लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करवाना है, देखो, उसके बाद हम यहाँ पे करवाएंगे इसको एंटर यहाँ से। ये क्या है आपका? ये आपका कंप्रेसर है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है राउंड शेप, ये क्या है? कंप्रेसर है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ही एयर आती है यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है एयर को। कंप्रेस जैसे ही करेंगे, याद रखना यहाँ पे एक एक जो इसका पार्ट है पूरे सिस्टम का वो इम्पोर्टेंट है, और एक एक पार्ट काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? कूलिंग करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, एक एक पार्ट। ऐसा नहीं कि पूरे सिस्टम में कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा जहां पे जाके कूलिंग हो जाएगी, नहीं, एवरी सिंगल पार्ट इज यूजिंग फॉर कूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेस किया, कंप्रेस करने में वर्क डन हुआ, कंप्रेस करने में भी तो वर्क डन हुआ, गैस को कंप्रेस किया तो वर्क डन हुआ, तो वहां से क्या हुआ? वहां से कंप्रेस करने पर जो है वो, ये पहले गैस ऐसी थी मान लो, इसको कंप्रेस किया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो कंप्रेस करने पर जो है गैस तो कंप्रेस हो गई, पर यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। अब जब एनर्जी रिलीज हुई कंप्रेस करने पर, तो वो एनर्जी अब क्या करेंगे उस एनर्जी का? सिंपल सी बात है, अगर वो एनर्जी वापस मॉलिक्यूल लेगा तो वो गैस फॉर्म में ही रहेगा ना, ठीक है, पर अभी हमें क्या करवाना है, उस एनर्जी को हम यहाँ से, जैसे कि ये कंप्रेसर है, यहाँ से हीट रिलीज हुई क्योंकि हमने कंप्रेस किया, तो इसको फिर जो है हम रेफ्रिजरेंट से पास करवाते हैं, इस गैस को, कंप्रेस्ड गैस को हम, या फिर कंप्रेस्ड एयर को हम रेफ्रिजरेंट से पास करवाते हैं। जैसे ही रेफ्रिजरेंट में पास होगा, वो जो हीट रिलीज हुई थी, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे? कूलिंग हो जाएगी। जो हीट रिलीज हुई थी, अब जैसे कि मान लो आपने गरम गरम जो है चाय ही मान लो, या दूध ही मान लो, एकदम गरम तो नहीं, दूध ही मान लो, गरम सा आपने फ्रिज में रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाती है वो,
हीट जो है वो फ्रीजर क्या करता है या फ्रिज क्या करता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और उसकी कूलिंग करता है। तो वहाँ पे यहाँ पे भी सेम ही हुआ, कंप्रेस गैस से जो हीट निकली थी रेफ्रिजरेंट में जाते ही उस एयर की, कंप्रेस्ड एयर की यहाँ पे कूलिंग हो गई। अब ये जो कूल हुई थी एयर वो क्या होता है, यहाँ से इस नली के थ्रू जो है, इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे आती है, और वो क्या करती है स्पाइरल ट्यूब के थ्रू जाती है। क्या स्पाइरल ट्यूब के थ्रू जाती है? अब स्पाइरल ट्यूब ही क्यों ली हमने यहाँ पे, इसका भी रीजन है। स्पाइरल ट्यूब लेने में क्या होता है, एक तो होता है कि गैस सीधा सा जा रही है, सीधी से पास हो रही है, इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही इतनी, ठीक है, और एक होता है कि ये स्पाइरल ट्यूब के थ्रू जा रही है, तो इसको क्या करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पे मेहनत जहाँ करनी पड़ती है वहां पे एनर्जी खर्च होती है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से जो कंप्रेस करने से हीट रिलीज हुई थी और रेफ्रिजरेटर ने उसकी कूलिंग कर दी, कूलिंग करने के बाद भी हम उसे छोड़ नहीं रहे, जितना एनर्जी जो है वो निकल सकता है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, हम एनर्जी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल से, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पाइरल ट्यूब के थ्रू जाते हुए और एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, और एनर्जी खर्च होती है, रिलीज तो नहीं कहूंगी, और एनर्जी यहाँ पे खर्च होती है इस स्पाइरल ट्यूब के थ्रू जाने के लिए उस गैस की, तो और ज्यादा कूलिंग होने लगती है, ठीक है। फिर यहाँ से भी नहीं हुआ और ज्यादा, यहाँ पे देखो कूलिंग के लिक्विफिकेशन के लिए बहुत अच्छा जो है वो पूरा सिस्टम चाहिए आपको, बहुत सिस्टमेटिक कूलिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइरल के थ्रू थोड़ी और एनर्जी खर्च करवाई हमने गैस की या फिर उस एयर की, उसके बाद क्या किया हमने, इसको पास करवाया यहाँ पे जो जूल टॉमसन इफेक्ट था और उसमें जो हम सिस्टम यूज कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ये एयर आई, हमने यहाँ पे लगा दिया पिस्टन और इस एयर को फिर से कंप्रेस किया, इस एयर को फिर से कंप्रेस किया, या फिर इस एयर पे, एयर का क्या होगा, एयर का कोई ना कोई प्रेशर होगा। अब उस प्रेशर को हमने क्या किया, यहाँ पे मूव करवाना है इस सिलेंडर में, या फिर ये कहेंगे एक्सपेंशन चैम्बर में मूव करवाना है। तो यहाँ से जैसे ही पास हुई, ये पिस्टन ने यहाँ पे मूव किया, ठीक है, और पिस्टन ने मूव करके यहाँ से गैस को कंप्रेस किया और गैस सीधा यहाँ से पिस्टन के दबाव की वजह से जैसे यहाँ तक आई, और इस पिस्टन के दबाव की वजह से क्या हुआ, गैस इस एक्सपेंशन चैम्बर में आ गई, ओके। अब हमें पता है कि पहले से तो यहाँ कोई गैस थी ही नहीं इस एक्सपेंशन चैम्बर में, ये तो पूरा वैक्यूम सिस्टम था ना, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था, इस एक्सपेंशन चैम्बर का प्रेशर मान लो जीरो था, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर था, ठीक है। तो जैसे ही पिस्टन की वजह से ये इस चैम्बर में आई, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे एक्सपेंड हो गई, क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, इनका एक्सपेंशन हुआ गैस का या फिर एयर का। अब जैसा कि हमने जूल टॉमसन इफेक्ट में पढ़ा है कि एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन के लिए भी उसकी अपनी एनर्जी खर्च होगी, है ना, जूल टॉमसन इफेक्ट में यही तो पढ़ा है कि गैस जब एक्सपेंड करेगी तो कोई, हमने पहले ही कहा कि यह एडियाबेटिक प्रोसेस भी हमारा, हमने यहाँ कहा कि हम कोई एनर्जी दे भी नहीं रहे यहाँ पे कि वो एक्सपेंड कर जाए, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, है ना। आप टेम्परेचर जैसे जैसे गैस का बढ़ाते हो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है ना, प्रसार होने लगता है, पर हम तो दे ही नहीं रहे हैं कुछ एनर्जी। तो यहाँ से जैसे पास हो गई इस चैम्बर में, तो उसको अपनी खुद की एनर्जी चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, तो यहाँ से उसकी और एनर्जी जो है वो क्या करेगी, लूज होगी। साथ ही यहाँ पे क्या है कि जैसे ही इसमें पास होगी, एक तो वो एक्सपेंड भी कर रही है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे एक जेट भी लगा हुआ है, तो जो एयर आ रही है इस जेट के थ्रू भी वो जो है वो मूव कर रही है बहुत फास्ट, ओके, और उस वजह से भी उसकी एनर्जी खर्च हो रही है, उस वजह से भी उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। साथ ही जो गैस जो है वो यहाँ पर नहीं पास हो सकी और यहाँ नीचे आ गई, वो भी इस जेट के थ्रू जो है वो एक्सपेंड करती है तेजी से, जैसे हमने लिंडेज मेथड में पढ़ा, ठीक है, वो भी तेजी से एक्सपेंड करती है, उस एक्सपेंशन में भी क्या होता है, कूलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी कूलिंग होनी थी वो हो चुकी है, उसकी जो लिक्विफाई होना था वो हो गया। पहले बोल देती हूँ कि एक ही बार में पूरा लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होता, और ये जो पूरा मैंने सिस्टम अभी आपको समझाया है ये बार बार रिपीट होता है, और जब बार बार रिपीट होती है सेम चीज, सेम कूलिंग करवाई जाती है
तो फाइनली जाके आपकी गैस यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपकी गैस लिक्विफाई हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे एयर लिक्विफाई हो जाएगी, एयर लिक्विफाई हो जाएगी, वैसे वैसे आप इस नोज को खोल करके उससे निकाल सकते हैं। अब जो एयर होती है ना, अलग अलग टाइम पे, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मात्रा में नहीं होती, पर फिर भी नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होती है, ऑक्सीजन भी सफिशियंट मात्रा में होती है। तो क्या होता है, ये एक साथ कूल नहीं करती। पहले जैसे कि नाइट्रोजन लिक्विफाई होगी, फिर ऑक्सीजन होगी, तो इस तरह से जो है आप अलग अलग तरीके से जो भी लिक्विफाई होगी या पूर्ण रूप से लिक्विफाई होने पर आप इस नोज को खोल करके आराम से लिक्विफाइड एयर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये पूरा लिखा हुआ है, ये जो मैंने समझाया है वही है, कुछ इसमें जो डाटा है वो देख लेना कि कितना प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। कितना प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, 200 ATM प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है। और ह्यूमिडिटी के साथ साथ जो है यहाँ पे दूसरी गैसेस के साथ CO2 भी रिमूव कर दी जाती है पहले से ही, ठीक है। CO2 भी रिमूव कर दी जाती है, एक पॉइंट छूट के है ये। क्या करेंगे यहाँ पे, जो फ्रेश एयर है उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह सारी होगी, पर उसमें से आप ह्यूमिडिटी रिमूव कर देंगे और CO2 भी रिमूव कर देंगे। क्लियर, बस यही पॉइंट था इसमें। बाकी सारा जो है वो सिस्टम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो चलो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी ये जो गैसेस स्टेट वाली यूनिट है वो कंप्लीट होती है पूरी तरह से, ओके। अब जो है हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है। ये यूनिट नंबर थर्ड जो है आपकी है लिक्विड स्टेट, फाइन। अब लिक्विड स्टेट में जो है बेसिकली हम सबसे पहले, वैसे ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है आपको, BSc में है आप तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। कि स्टेट्स कितने होती है, तीन स्टेट होती है बेसिकली, ब्रॉडर वे पे देखें तो तीन स्टेट होती है बेसिकली, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लिक्विड स्टेट पढ़ रहे हैं तो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे लिक्विड स्टेट को। सॉलिड स्टेट तो हमारे इस पूरे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, ठीक है। गैस स्टेट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम अब लिक्विड स्टेट आराम से पढ़ सकते हैं। गैस स्टेट पढ़ते हुए गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, ठीक है। और गैसेस की प्रॉपर्टी देखते हुए भी हमने क्या पढ़ा था कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या काम करते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं। अब तो मुझे लगता है कि इतनी पूरी यूनिट पढ़ लेने के बाद तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में होगी अच्छे से कि क्या होती है गैसेस की प्रॉपर्टी, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं, और ये फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं, जैसे कि हमने गैस में पढ़ा, ये वीक फोर्सेस होते हैं, ओके। बट जो लिक्विड स्टेट होती है, ओके, लिक्विड स्टेट में बहुत टाइप के जो है फोर्सेस काम करते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। लिक्विड स्टेट में बहुत टाइप के फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बंद हो गए, और इसके अलावा जितने भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जैसे डाइपोल डाइपोल मोमेंट हो गया, पढ़ेंगे हम सारा कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड भी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है हम कह रहे थे ये कि वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं गैस में, यहाँ पे लिख लें हम कि ये वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं गैस में, वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं गैस में यहाँ पे जो है, और ये क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वीक फोर्सेस होते हैं। इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन हो गया, तो लिक्विड स्टेट में ये सारे तरह के इंटरैक्शंस जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं लिक्विड स्टेट में, ओके। और लिक्विड स्टेट का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, डेंसिटी जो होता है लिक्विड स्टेट का वो ज्यादा होता है सॉलिड स्टेट से, गैसेस स्टेट से ज्यादा होता है
लिक्विड स्टेट का डेंसिटी। ओके, बट यहाँ पे जैसे कि हमें पता है सॉलिड स्टेट की तुलना में सॉलिड स्टेट क्या होती है, ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, उनका एक निश्चित आकार होता है सॉलिड स्टेट का। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें सॉलिड स्टेट से, तो लिक्विड को सॉलिड स्टेट से कंपेयर करें, सॉलिड स्टेट से कंपेयर करें, ठीक है, तो इनका क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है, डजंट हैव सर्टेन शेप्स एंड साइज। लिक्विड स्टेट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनकी डेंसिटी तो गैसेस से ज्यादा होती है, बट इनका जो शेप और साइज होता है ये निश्चित नहीं होता, जबकि सॉलिड का शेप एंड साइज जो है वो निश्चित होता है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, ये सारे जो है इंटरैक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। साथ ही द्रवों के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि गैसेस के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं, जैसे ये इनके मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं गैसेस में। ये आपकी गैसेस है, ओके, ये आपकी गैसेस है और ये आपके लिक्विड है, तो लिक्विड के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं या फिर जो वेकेंट साइट्स होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस। इस वजह से जो है ये क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से। साथ ही एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये तो क्या है, ये सारी चीजें मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, पॉइंट्स में बता के नहीं बता रही, कि मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें आपको पढ़ी हुई होगी, ये बस इंट्रोडक्शन है कि लिक्विड क्या होते हैं बेसिकली, और मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की आपको जरूरत है कि लिक्विड क्या होते हैं। ये सब कुछ आप पढ़ के आए हुए हो, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हो कि डेंसिटी ज्यादा होती है, शेप साइज नहीं होता, हो तो देखते ही हो रोज की शेप साइज नहीं होता, ठीक है, इसके अलावा बॉन्डिंग किस तरह की होती है, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। हाँ, मैं ये बता रही थी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो सच में ध्यान रखने की बात है, जो आपके बीएससी लेवल की बात है, वो यहाँ पे है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ये मेन बात है आपके बीएससी लेवल की। बाकी तो सारी आप भले पढ़ो नहीं पढ़ो आपको पता है, ठीक है, पर ये जो मेन पॉइंट है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है लिक्विड्स की, वो सॉलिड्स से भी ज्यादा होती है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो गैसेस का जो आइटम होता है वो तो जो हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है गैसेस का आयतन तो, पर यहाँ पे लिक्विड का आयतन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी कम होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत कम होती है, संपीड्यता बहुत ज्यादा कम होती है इनकी, ठीक है, इसी कारण से इनका आयतन भी बहुत ज्यादा, आयतन पर जो दाब का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ये मेन पॉइंट्स है आपके ध्यान रखने योग्य, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम
इज नेग्लिजिबल। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट भी नेग्लिजिबल होता है लिक्विड के वॉल्यूम पर। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। ओके, यहाँ पे इन तीन पॉइंट्स को आप दिमाग में बिठा लो बिल्कुल, कि ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको याद रह जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, हम सिर्फ इंट्रोड्यूस मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको ये सीमेंट से कि लिक्विड स्टेट बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट जो हम मेन जो इसके टॉपिक्स हैं, वैसे मेन तो नहीं है, वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट ही है एक तरह से देखे तो। इनके जो ये इंटरैक्शन फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जो इंटरैक्शन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि ये इंटरैक्शन किस किस तरह के होते हैं लिक्विड स्टेट में। ओके, चलो यहाँ इतना ही, थैंक यू।